Morning everyone. Today we are going to read about the topic capsules, which is there in the second unit of industrial pharmacy 1. Okay. So capsules kya hai? These are solid dosage forms in which drug substance is enclosed within hard or soft soluble cell. तो ये कैप्सूल एक सॉलिड डोसेज फॉर्म है जिसमें जिसके अंदर ड्रग सब्सटेंस रहते हैं, जैसे जिसके अंदर एपीआई रहते हैं जो जो कि कोई हार्ड और सॉफ्ट सॉल्युबल सेल रहता है. ठीक है, नेक्स्ट आ रहा है द सेल्स आर जनरली फॉर्म फ्रॉम जिलाटिन. तो जो सॉफ्ट सॉल्युबल सेल या हार्ड सॉल्युबल सेल है वो जिलाटिन से फॉर्म होता है, मतलब उसका फॉर्मेशन जिलाटिन से ही होता है. और ये दो टाइप के होते हैं, पहले पहला है हार्ड जिलाटिन कैप्सूल्स, दूसरा है सॉफ्ट जिलाटिन कैप्सूल्स. फिर व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ कैप्सूल्स. फर्स्ट आ रहा है कैप्सूल्स आर टेस्टलेस, ऑर्डरलेस एंड कैन बी इजीली एडमिनिस्टर्ड. तो ये सभी जानते होंगे. नेक्स्ट आ रहा है कॉम्बिनेशन ऑफ पाउडर्स वी कैन यूज, मीन्स कैप्सूल्स के अंदर हम लोग पाउडर भी डाल सकते हैं. नेक्स्ट आ रहा है देयर आर अट्रैक्टिव इन अपीयरेंस. तो अपीयरेंस में वो अट्रैक्टिव रहते हैं, मतलब कलर अलग अलग हम लोग डाल सकते हैं कैप्सूल सेल्स में. नेक्स्ट आता है ड्रग सेविंग अनप्रेजेंट ऑर्डर एंड टेस्ट आर एनक्लोज इन ए टेस्टलेस सेल. तो एक कैप्सूल सेल में हम लोग जो भी कोई ड्रग जिसका अनप्रेजेंट ऑर्डर हो या टेस्ट हो उसको हम डाल सकते हैं. ठीक है, नेक्स्ट आ रहा है दे कैन बी फिल्ड क्विकली एंड कन्वीनियंटली. तो कैप्सूल सेल्स में हम लोग जल्दी जल्दी ड्रग्स को डाल सकते हैं. नेक्स्ट, फिजिशियन कैन चेंज द डोज एंड कम्बिनेशन ऑफ ड्रग अकॉर्डिंग टू पेशेंट रिक्वायरमेंट. तो फिजिशियन या फार्मासिस्ट जो भी वो कैप्सूल के डोज को चेंज कर सकता है पेशेंट के रिक्वायरमेंट के हिसाब से. नेक्स्ट आ रहा है दे आर इकोनॉमिकल. तो ये इतना पैसे वाला नहीं है. नेक्स्ट आ रहा है दे आर इजी टू हैंडल एंड कैरी. जैसे सॉलिड डोसेज फॉर्म्स इजी रहता है हैंडल करने के लिए या लेने के लिए. ओके, सो नेक्स्ट आ रहा है डिसएडवांटेजेस क्या क्या है कैप्सूल्स के. हाइग्रोस्कोपिक ड्रग्स आर नॉट सुइटेबल फॉर फिलिंग इन टू कैप्सूल्स बिकॉज दे एब्जॉर्ब वाटर प्रेजेंट इन कैप्सूल सेल विच मेक्स सेल वेरी ब्रिटल एंड अल्टीमेटली लीड टू क्रम्बल इन टू पीसेस. तो जो जो ड्रग वाटर एब्जॉर्बिंग है तो वो फिल नहीं किया जा सकता कैप्सूल्स पे. क्यों? क्योंकि वो पानी एब्जॉर्ब कर मतलब पानी एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जो कैप्सूल सेल के अंदर पानी रहता है उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं और वो क्लम्पिंग फॉर्मेशन करते हैं. तो जिसके लिए ड्रग खराब हो जाता है. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है द कंसंट्रेटेड सॉल्यूशंस व्हिच रिक्वायर प्रीवियस डाइल्यूशन आर अनसुइटेबल फॉर कैप्सूल्स बिकॉज इफ एडमिनिस्ट्रेड एज सच लीड टू इरिटेशन इन टू स्टोमक. तो जो जो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो कि डाइल्यूशन रिक्वायर करता है वो कैप्सूल सेल में डालने के लिए अनसुइटेबल है, क्योंकि अगर ये एडमिनिस्टर किया जाए तो ये स्टोमाक में इरिटेशन फॉर्मेशन क्या कर सकता है. नेक्स्ट आ रहा है कैप्सूल साइज. तो यहाँ पे टेबल पे कैप्सूल साइज मेंशन है 000001 2 3 4 5. उसमें कितने वॉल्यूम हम लोग डाल सकते हैं लिक्विड, तो उसमें मेंशन है 1.37, 0.95, 0.68, 0.50, 0.37, 0.30, 0.21, 0.15. यूनिट क्या है? ml है. और इसका साइज कितना हो सकता है मिलीमीटर में? 26.3, 23.7, 21.8, 19.2, 18.3, 15.3, 14.7, 11.9. तो सबसे स्मॉलेस्ट साइज क्या है और लार्जेस्ट साइज क्या है आप लोग ये टेबल से देख लेना. ठीक है, नेक्स्ट आ रहा है जिलेटिन क्या है.
Gelatin is a heterogeneous product which is derived by hydrolytic extraction of animal's collagen. The sources of gelatin including animal bones, hide portions and frozen pork skin. तो जिलेटिन के सोर्स क्या क्या है? फर्स्ट है एनिमल बोन्स, मतलब एनिमल्स के हड्डियाँ. फिर फ्रोजन पॉर्क स्किन, मतलब चमड़ी. ओके, तो ये टाइप्स ऑफ जिलेटिन में आ रहा है. दो टाइप्स के रहते हैं वो, फर्स्ट टाइप ए, सेकंड टाइप बी. तो टाइप ए में आता है. टाइप ए कहाँ से आता है? दीज आर डिराइव फ्रॉम एसिड ट्रीटेड प्रिकर्सर दैट एग्जिबिट्स एन आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट एट पीएच 9 एंड इट इज मैन्युफैक्चर्ड मेनली फ्रॉम पॉर्क स्किन. तो ये जो स्किन से मैन्युफैक्चर होता है, ठीक है, और ये जनरली एसिड इसको एसिड में ट्रीट करते हैं क्योंकि एक आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट देता है 9 पीएच में, ठीक है. नेक्स्ट आ रहा है टाइप बी. टाइप बी में दीज आर डिराइव्ड फ्रॉम अल्कालिक ट्रीटेड प्रिकर्सर दैट एग्जिबिट्स एन आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट एट पीएच 4.7 एंड इट इज मैन्युफैक्चर्ड मेनली फ्रॉम एनिमल बोन. तो टाइप बी में कहाँ से मैन्युफैक्चर होता है? एनिमल बोन से, और ये अल्काली से ट्रीट करते हैं इसको, जो कि एक आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट देता है पीएच 4.7 में. तो टाइप ए टाइप बी में डिफरेंस ये है कि टाइप ए में पॉर्क स्किन से डिराइव करते हैं और टाइप बी में एनिमल बोन से डिराइव करते हैं. नेक्स्ट आ रहा है प्रिपरेशन ऑफ जिलेटिन. कैसे प्रिपरेशन करते हैं? फर्स्ट आ रहा है ड्राई बोन, उसके बाद पहले ड्राई बोन लेते हैं, उसके बाद उसको वो ग्राइंडिंग करते हैं. इसीलिए लिखा है देखो डायग्राम पे बोन मिल. नेक्स्ट उसको हम लोग 5% HCl में 10 से 15 दिन तक रखते हैं. फिर उसमें डाई कैल्शियम फॉस्फेट ऐड करते हैं, उसके बाद लाइम वाटर में रखते हैं 10% लाइम वाटर में 4 to 8 weeks तक. उसके बाद लाइम रिमूवल करते हैं, उसके बाद उसके पीएच एडजस्ट करते हैं. नेक्स्ट उसके बाद उसको एक्सट्रैक्शन करते हैं गर्म पानी से. नेक्स्ट उसके बाद उसको फिल्टर करते हैं, फिर उसके बाद वैक्यूम कंसंट्रेशन में डालते हैं उसको. उसके बाद उसको ठंडा करते हैं जो कि सॉलिड पार्टिकल बन जाता है. उसके बाद उसको ड्राई करते हैं एयर डाल के. उसके बाद उसको मिलिंग करते हैं, ठीक है. नेक्स्ट दो आ रहे हैं देखो, एक पर्स स्किन है, दूसरा कैल्प स्किन है. तो पहले कैल्प स्किन पे अगर आ जाए तो उसको चमड़ी को पहले साफ करते हैं, उसके बाद लाइम वाटर 10% में 6 से 12 हफ्ते तक रखते हैं. उसके बाद पानी में वॉश करते हैं 10 से 30 घंटा तक. उसके बाद हॉट वाटर से एक्सट्रैक्शन करते हैं, उसके बाद उसको फिल्टर करते हैं, उसके बाद उसको वैक्यूम कंसंट्रेशन में डालते हैं, और उसको फिर नेक्स्ट स्टेप है ठंडा करते हैं जो कि सॉलिड पार्टिकल फॉर्मेशन होता है, और उसको फिर हवा देकर ड्राई करते हैं. नेक्स्ट लास्ट स्टेप है उसको मिलिंग करते हैं. नेक्स्ट स्टेप आ रहा है पर्क स्किन. तो पर्क स्किन में हम लोग क्या करते हैं? उसको भी वही साफ करते हैं, और यहाँ जो है एसिड डालते हैं. कितना? 1 to 5% हाइड्रोक्लोरिक एसिड. कितने टाइम तक? 10 से 30 घंटे तक. उसके बाद उसको एसिड जो पार्टिकल रहता है रिमूव करते हैं बेसिक सब्सटेंस डाल के. फिर उसको हॉट वाटर से एक्सट्रैक्शन करते हैं, अगेन फिल्टर करते हैं उसको. नेक्स्ट उसको वैक्यूम कंसंट्रेशन पे डालते हैं. नेक्स्ट उसको ठंडा करते हैं. नेक्स्ट उसको ड्राई करते हैं एयर पे. नेक्स्ट उसको मिल करते हैं जो कि कैप्सूल सेल पे साइज एंड शेप देता है, और जिलेटिन फॉर्मेशन हो जाता है. नेक्स्ट ये पॉइंट है जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे पढ़ेंगे, ठीक है. मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हार्ड जिलेटिन कैप्सूल्स, ये सब स्टेप्स हैं, ठीक है. फर्स्ट आ रहा है डिपिंग, सेकंड स्पिनिंग, थर्ड ड्राइंग, फोर्थ स्ट्रिपिंग, फिफ्थ ट्रिमिंग एंड जॉइनिंग, फिफ्थ पॉलिशिंग. थैंक यू.